अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये मेरी अम्मी का घर है और नाया देखें क्या कर रही है, पतीले के ऊपर बैठ रही है। और ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे भाई ने मुझसे चावल बनवाए थे बांटने के लिए लंगर, और मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, मैंने कहा चलें आपको दिखाऊँगी। ये देखें, ये माशाल्लाह मैंने बनाए हैं और दम लगा रही थी मैं, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो भी बनाई, मैंने कहा आपको भी शेयर करूँ कि आज मेरे भाई, एक भाई ने कल खीर बंटवा ली थी और एक भाई मेरे ने खीर बंटवाई थी कल, और दूसरे ने ये आज चावल से बनवाए हैं। खीर तो अम्मी ने कल बनाई थी, वो मैं वीडियो नहीं बनाई मैंने कल, क्योंकि मैं देर से गई थी, अम्मी ने बांट ली थी, और यहाँ पे आज मैंने चावल बनाए हैं और ये मैंने ही बांटे हैं सारे बना के बच्चों को। और मैंने बस थोड़ी सी वीडियो बनाई, मैंने कहा चलें आपको भी दिखाऊँ, लेकिन वो घर वाले और मेरे हस्बैंड नहीं अच्छा समझते कि चीज़ बांटने की वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये दम खोलते हुए मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करते हैं कि हमने ये किया आज। और ये देखें बस, यहाँ पे मेरी अम्मी जो है ना वो दुआ मांग रही थी, माम हसन और हसैन के नाम का लंगर था और दुआ मांग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी उनकी भी। ये देखें जी भी बस, यहाँ पे दूध आ चुका है और ये हम दूध वाली शिविर लगाने लगे हैं, वो भी मेरे हस्बैंड लगाने लगे हैं, क्योंकि वो सलामत गए थे तो आए हैं, हर दफ़ा हम खीर बांटते हैं तो इस दफ़ा हम दूध वाली शिविर लगाने लगे हैं, क्योंकि मेरे भाई ने कल भी नौवे मुहर्रम भी दूध पानी वाली शिविर लगाई थी और आज भी, तो हमने दूध वाली शिविर लगा ली मेरे हस्बैंड ने, तो वो वीडियो नहीं बना रहे थे, तो फिर ये सामान जब उसको घर लेकर आए तो मैंने फ़ौरन से थोड़ी सी बनाई वीडियो, तो बाद में मैंने उनको बड़ी मुश्किल से राज़ी करके थोड़ी सी बनाई। वो कहते हैं अल्लाह के नाम पे जब चीज़ कोई भी देते हैं तो वीडियो नहीं बनानी चाहिए, अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा सब लोग ब्लॉग बनाते हैं तो जो भी चीज़ बना रहे होते हैं तो हम भी थोड़ा सी बना लेते हैं, तो वो मुझे बनाने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी बनाई थोड़ी सी बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा आपसे भी मैं शेयर करूं कि हमने भी कुछ अल्लाह के नाम पे जो दिया, लेकिन और मैंने जूस वगैरह कब्रिस्तान जाके मैं जूस का पैक जो है ना वहाँ पे मैंने अल्लाह के नाम पे जो देना था मैंने जूस उधर कब्रिस्तान में जाके बांट दिया। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ ये वाली पानी वाली शिविर मेरे भाई ने लगाई हुई थी, ये ख़त्म हो चुका था, ये थोड़ा सा था, और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, तो अम्मी के घर में थी मैं और यहाँ पर भाई भी अम्मी की तरफ ही ये कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड उधर ही जा के ना तो ये कर दिया उन्होंने, बाहर जो है ना शिविर लगा ली, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लेती हूँ मैं। और ये देखें भी बस, यहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं और ये बना रहे हैं, तो ये उन्होंने जमिश्री सारी उसमें डाल दी, और मैंने कहा था कि भी थोड़ी सी रख दे, मैंने भी बच्चों को बांटनी है, और वो कह रहे थे कि नहीं यहाँ पे ये उन्होंने चीनी वाला पानी जो मिक्स की थी चीनी ये उसमें डाल दिया और ये बना रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, वो कहते थे कि नहीं ये यहाँ पर दूध भी उन्होंने ऐड कर दिया सारा, तो ये मेरा भाई था साथ में लगा हुआ, और भाई और मेरे हस्बैंड दोनों लगे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि नहीं जो अल्लाह के नाम पे चीज़, मैंने कहा सब लोग बनाते हैं चलो मैं भी थोड़ी सी बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा ये तो हर कोई दे रहा है हसन हुसैन के नाम का और सब शहीदों के नाम का, तो हम क्यों नहीं वीडियो थोड़ी सी बना सकते, तो कहते कि नहीं अच्छा नहीं लगता, एक हाथ को दो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता थोड़ी सी बनाने दें, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनको राज़ी किया, और फिर ये मैंने वीडियो बनाई, तो मैंने कहा चलिए मैं आपसे भी शेयर कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये शिविर लगाई थी, और मैंने घर में थोड़ा सा दूध मंगवा के लदा से मैंने बच्चों के लिए ना मैंने दिल में रखा था सोच के कि मैं थोड़ा सा चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो मैं दूध बांट दूँगी बच्चों को खाली जामे शेर के बिना, ये इन्होंने ना तो ये थोक मलंगा वगैरह डाला था और बच्चे कुछ नहीं यूज़ करते पीना चाहते अच्छा नहीं लगता, ये तो सब जेंट्स वगैरह रस्ते में सबको पिला रहे थे ना, यानी कि तो इसलिए इन्होंने ये वाला बनाया था, तो हम जो है ना ये मैं तो मुझे ये तो मंगा पर्सनली तौर पे ये पसंद नहीं है, मैं नहीं कभी भी पीती मुझे नहीं अच्छा लगता, तो ये फिर मेरे हस्बैंड जो है ना थोड़ी सी चीनी चेक कर रहे थे कि कहीं कम ना हो जाए, तो फिर उन्होंने चेक किया और फिर मुझे बताया कि ठीक है, तो फिर ये बांटने के लिए ले गए थे, तो मैं अम्मी की तरफ जो है ना मेरे भाई के लिए, एक भाई ने कल खीर बंटवाई थी और एक ने आज चावल बंटवाए और ये कुछ पानी वगैरह सब कुछ कर रहे थे,
और ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने ना दूध फ्रीज़ किया हुआ था, रात को ही मंगवा लिया था दूध वाले से, जहाँ से मैं बच्चों के लिए लेके आते हैं ना, मंगवाते हैं, तो उनसे ही लेके ये हमने जो है बच्चों को बांट दिया। चलें जी व्यूअर्स, वो हमारी वीडियो पूरी हो गई थी। और ये मैंने रात को 9 मुहर्रम का रोज़ा रखा था, तो ये अफ्तारी बनाई थी मैंने, बस ये दही में एप्पल काट लिया था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं खाया, बस एक दो चम्मच लिए और अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे मैंने, मेरा भाई मेरे लिए समोसे ले आया था, और यहाँ पे मैंने टैंक, और मैंने सिर्फ 2 ही समोसे लिए, वो उसमें से भी एक ही खाया था, मुझे दिल ही नहीं कर रहा था अफ्तारी में कुछ खाने का। और यहाँ पे ये साथ में रहता है सब बना हुआ था, और टैंक बना लिया था मैंने, बस ये मैंने अफ्तारी की थी। और मैं फिर तकरीबन कल जो है ना, काफ़ी रोज़े की वजह से मेरी तबीयत अपसेट सी हो गई थी, तो आज मैंने रखना था 10वें का, और रात को नाया ने काफ़ी तंग किया, फिर मैं आज नहीं रख पाई। तो इंशाल्लाह देखते हैं सुबह मैं 11वें का रख लूँगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।